उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के होटल में हुए आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया। इस आतंकी हमले में 21 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 हमलावरों को ढेर कर दिया गया। और सामने आए एक वीडियो में एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो करीब 4थी मंजिल से नीचे जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। खबर है कि इसी तरह एक और आदमी भी अपनी जान बचाने के दौरान इमारत से कूद गया। ये दोनों ही विदेशी नागरिक बताए गए हैं। इस दौरान होटल की खिड़कियों और रोशनदानों से धुएं का गुबार निकलता नजर आया। आतंकियों ने यह हमला उस वक्त किया जब इस होटल में चीन के कई नागरिक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर आतंकियों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि वहां कई बम भी बरसाए गए। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक होटल पर आतंकियों ने उस वक्त हमला बोल दिया जब वहां चीन के कई नागरिक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर आतंकियों ने न सिर्फ ताबड़तोड़ फायरिंग की बल्कि वहां कई बम भी बरसाए जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें होटल के गेट पर बम धमाके की वजह से आग लगी दिखाई दी जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। काफी देर तक इमारत के अंदर से फायरिंग की आवाज आती रही जबकि पूरी बिल्डिंग धुएं के गुबार से ढकी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे होटल के अंदर भी बम फटा हो। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से निकलने की कोशिश करते दिखे। काबुल के जिस होटल पर आतंकियों ने हमला किया वहां अक्सर विदेशी और चीनी नागरिक ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त कुछ आतंकी गोलियां बरसाते हुए होटल में दाखिल हुए थे जो न सिर्फ खतरनाक हथियारों से लैस थे बल्कि उन्होंने आत्मघाती जैकेट भी पहन रखी।